मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है. एज एन इंडिपेंडेंट आई विल बी गोइंग टू द राज्यसभा आफ्टर स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. आई एम डीपली डीपली ग्रेटफुल टू अखिलेश जी. आई ऑल्सो विश टू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू आजम खान फॉर द सपोर्ट दैट ही हैज गिवन मी नॉट जस्ट नाउ बट ओवर द सेवरल ओवर सेवरल ईयर्स. आई एम हैप्पी दैट आई विल बी a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done as an independent member. I have always wanted to be an independent voice in this country, and I am glad that Akhilesh ji understands why that is so. I think that we are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूँ कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं. लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें. हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे. मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा. मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है. 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया. क्या आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं? अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल आप हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है. सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला. देखिए आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज़ उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था. पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है, तभी हम अपनी आवाज़ उठाते थे, और अभी अगले शायद 6 सालों में भी उठाएंगे. सीरियस कांग्रेस लीडर मैं अब नहीं रहा हूँ.